हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमीन प्लॉट खरीदते समय आपको कैसे भुगतान करना चाहिए पैसों का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि आप पैसे का भुगतान सही तरीके से नहीं करते हैं, लीगली तरीके से नहीं करते हैं और आप पैसा देते हैं, सामने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से सौदा कर लेता है, कुछ ज्यादा पैसों में उसको बेच देता है और अपनी नियत खराब कर लेता है और वह आपको देने से, जमीन देने से मना कर देता है या प्लॉट या मकान देने से मना कर देता है। तो आपको इन सब से बचना चाहिए। जो हम आपको नियम बता रहे हैं, जो आपको हम बातें बता रहे हैं, आप उसको ध्यान से समझेंगे तो आप कभी भी ऐसे घोटाले में नहीं फंसेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट राजेश लोधी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई जमीन, मकान या प्लॉट खरीदें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप जो भुगतान करते हैं वो या तो ऑनलाइन करिए या फिर आप चेक से भुगतान करिए। दोस्तों, कैश देने से बचिए, नगद भुगतान करने से आप बचिए। अक्सर दोस्तों देखा गया है कि कभी भी जब कोई व्यक्ति प्लॉट जमीन खरीदता है, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से एग्रीमेंट कर लेता है। अक्सर हमने देखा है आपसे उसने एग्रीमेंट किया है, लेकिन कोई व्यक्ति ज्यादा पैसे बढ़ाकर भुगतान करता है तो सामने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जमीन प्लॉट दे देता है और आपके पास कैश में कोई प्रूफ भी नहीं रहता है। आपने कैश किसी व्यक्ति को देते हैं तो आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं हो पाता है। आप उसको गवाह के माध्यम से, आप अगर गवाह के माध्यम से भी आप उसको साबित करने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आपने नगद भुगतान न करते हुए ऑनलाइन या चेक से भुगतान किया है तो इसमें आपको किसी भी गवाह की आवश्यकता नहीं होती है और आपका जो रिकॉर्ड है डिजिटली आपका रिकॉर्ड सेव हो जाता है। आप बैंक से के माध्यम से अगर आप चेक देते हैं तो, और ऑनलाइन भी आप बैंक स्टेटमेंट निकाल कर इस बात को प्रूफ कर सकते हैं कि मैंने सामने वाले फलाने फलाने व्यक्ति को इतने पैसे इस काम के लिए दिए हैं और ये सबूत है। तो पहली चीज, इस बात को आपको ध्यान रखनी है कि आपको चेक से भुगतान करना है और या फिर आपको ऑनलाइन भुगतान करना है। दोस्तों, जब भी आप कोई जमीन प्लॉट मकान खरीदते हैं तो उसका आप रेट फिक्स कर लीजिए। अक्सर होता यह है कि कोई जमीन की आपकी बात चल रही है, सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है 35 लाख, आपने बोला 32 लाख में सौदा तय करते हैं और उसके बाद में आप उसको बुकिंग दे देते हैं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि सामने वाला व्यक्ति एंड टाइम पर मुकर जाता है, वो आपसे कहता है नहीं मुझे तो इतने ही पैसे चाहिए, नहीं तो फिर मैं आपकी रजिस्ट्री नहीं कराऊंगा। ऐसी स्थिति में आप बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं, या तो आप उसको पैसे वापस लेते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति नाटक करता है और आपको समस्या आ सकती है, या फिर आपको जितना पैसा वो मांगा उतना आपको देना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर यह बात समझना चाहिए कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका आप रेट पहले फिक्स कर लीजिए। दोस्तों, जमीन प्लॉट मकान का रेट फिक्स होने के बाद आप उस व्यक्ति को एडवांस जरूर दीजिए। इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपको एडवांस जरूर देना है। वैसे कानूनी तौर पर जो विक्रय मूल्य होता है उसका 10% एडवांस के रूप में दिया जाता है, लेकिन सामान्य तौर पर आप एडवांस में कोई भी राशि दे सकते हैं जो क्रेता विक्रेता में सहमति बन जाए जिस राशि के लिए। और इस पर इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको एग्रीमेंट जरूर कराना है। दोस्तों, कोशिश करिए ई स्टाम्प पे आप एग्रीमेंट कराएं, 1000 के ई स्टाम्प पे आप एग्रीमेंट कराइए और अगर ज्यादा बड़ा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो आप उससे बड़े स्टाम्प पर आप एग्रीमेंट कराइए और एग्रीमेंट में दो गवाहों की हस्ताक्षर जरूर कराइए। वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पैसों के लेन देन के मामले में, और उसकी नोटरी कराइए नोटरी एडवोकेट से। उसके बाद आपका ये जो एग्रीमेंट है वो पक्का हो जाएगा और सामने वाला जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं, वो भी मुकर नहीं पाएगा। अगर मुकरेगा तो कोर्ट में आप उस चीज को चैलेंज कर सकते हैं और आपका पैसा डूबने से बच जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक बात और आप समझ लीजिए कि जब भी आप कोई चीज प्रॉपर्टी खरीदते हैं
तो उसका पूरा भुगतान एक साथ मत करिए। जी हाँ दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। आप एग्रीमेंट करिए, एग्रीमेंट में आप स्पष्ट लिखिए फलाना इतना पैसा हम बुकिंग के तौर पर देंगे, इतना पैसा जब हम इतने समय देंगे, इतना पैसा हम रश्ती के समय देंगे और इतना पैसा हम इस टाइम देंगे। इस प्रकार से आप पार्ट पेमेंट में, किस्तों में सामने वाले जो जिस व्यक्ति से आप कोई संपत्ति खरीद रहे हैं उसको पेमेंट दीजिए। उससे होगा ये कि सामने जिस व्यक्ति से आप संपत्ति खरीद रहे हैं उस व्यक्ति पर भी दबाव रहेगा, उसको भी पैसे लेने होंगे, इसलिए वो भी आपका काम में कोई देरी नहीं करेगा या कोई टाल मटोल नहीं करेगा, क्योंकि उसका पैसा भी उलझा हुआ रहेगा। तो नगद भुगतान मत करिए, जो भी आप पार्ट पेमेंट में पैसे दे रहे हैं उसको भी चेक से दीजिए या फिर ऑनलाइन खाते में उसके ट्रांसफर करिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। अब दोस्तों, सब ठीक ठाक हो गया है, आपने पैसे दे दिए हैं, सामने वाला व्यक्ति एग्री हो गया है रजिस्ट्री कराने के लिए, तो आपको तुरंत सब रजिस्ट्रार के पास जाना है और आपको रजिस्ट्री करा लेनी है। रजिस्ट्री कैसे कराते हैं और रजिस्ट्री की लाइव प्रोसेस हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के आखिरी में भी आपको दे देंगे। तो आप उन वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चल जाएगा कि रजिस्ट्री कैसे कराते हैं, रजिस्ट्री में क्या क्या दस्तावेज लगते हैं और रजिस्ट्री की लाइव प्रोसेस भी हमने अपने चैनल पर वीडियो में डाली है, जिसमें हमने खुद अपने क्लाइंट के साथ हम रजिस्ट्री कराने गए थे, तब हमने उसका वीडियो बनाया और रजिस्ट्रार के पास में कैसे आपके फोटो खींचते हैं, गवाहों के फोटो खींचते हैं, कैसे आपका अंगूठा स्कैन होता है, कैसे आपके डिजिटल साइन होते हैं और रजिस्ट्रार कैसे आपके आधार और दस्तावेजों को चेक करते हैं, उस सारी प्रोसेस हमने उस वीडियो में बनाई है, जो कि दोस्तों यूट्यूब पर पहली ऐसी वीडियो है। और वो वीडियो हमने डिमांड पर बनाई थी, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी, हमारे पक्षकारों की डिमांड थी कि सर आप हमें बताइए कि कैसे लाइव प्रोसेस होती है रजिस्ट्री की। तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा उससे फायदा मिलेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना खींचते हुए इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। दोस्तों, जाते जाते आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा एक और चैनल है राजेश लोधी ब्लॉग्स के नाम से, उस चैनल पर हम अपनी लाइफ स्टाइल डेली रूटीन की वीडियोस डालते हैं। हम कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटक स्थल जाते हैं, मंदिरों में घूमने जाते हैं, तो वो ब्लॉग्स हम उस चैनल पर डालते हैं, जो कि काफी मनोरंजक होते हैं और काफी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स होते हैं। तो आप उस चैनल को भी हमारे इस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहां पर आपको राजेश लोधी ब्लॉग्स के नाम से लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के अंत में आपको बटन दिख रहा है, उस बटन को आप दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम कानूनी जानकारी से भरपूर वीडियोस हमारे चैनल पर डालते हैं जो कि फ्री होती हैं। आप अगर यही एडवाइस एडवोकेट के ऑफिस में जाकर लेते हैं तो आपको पैसा और समय दोनों देना होता है, लेकिन हमारे चैनल पर निःशुल्क आपको जानकारी मिलती है। तो अब दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।